हाय प्रधान जी, कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ चले गए थे आप? ऐसे क्या देख रहे हैं जी? पहले कभी नहीं देखा क्या अपनी शरणों को? लालची औरत, आज तुझे जान से मार दूंगा। तूने मेरे बापू को बर्बाद कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बदतमीज औरत? हाथ उठाता, मैं बात कर रहा हूँ ना, लाला टैटू दबा दूंगा। क्या देवर जी? अरे बेटा, अपनी होने वाली माँ के साथ ऐसा बर्ताव करोगे? माँ और क्या क्या जी, आपने भी ना हमारे बेटे को कोई तमीज नहीं सिखाया। एक बात बता, तू तो भाग गई थी ना? क्या पूरे गांव में तो यही चर्चा कि सन्नो प्रधान की सारी जायदाद लेके भाग गई। अरे इनका जौवे नाश गांव वालों का, इन्हें ले जा हैजा बटोर के उत्ते शरीफ औरत लड़की पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मैं क्यों भागती, मैं तो शॉपिंग करने गई थी अपने बिया की। और प्रधान जी, आपने भी विश्वास कर लिया गांव वालों पर? अरे मेरी रानी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे गांव वाले तो क्या, सारी दुनिया भी तेरे बारे में गलत बोले ना, तो मैं ना मानूं। पर मैंने सुना था तूने होटल के वेटर को 1000 रुपए टिप दिया था। तो क्या 10 रुपए देती? प्रधान नहीं हूँ, कोई मजाक ना। मुझे मेरी संपत्ति चाहिए। अरे बेटा, संपत्ति कहाँ भागी जा रही है, सब तेरी तो है। अरे बेटा, तुझे नहीं पता जब से तेरी माँ गई है तेरे बापू ने कैसे जिंदगी काटी है। अरे बेटा, बड़ी मुश्किल से इस सूखे पेड़ पे हरियाली के किल्ले फूटे। अरे बेटे, ले देखे सन्नो मिल रही है, भांजी मत मार बेटे, एक बार मेरा ब्याह हो जान दे, उसके बाद तेरा ब्याह कराऊंगा टोप का। ठीक है बाबू, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर इससे कह दो रोज मुझे मूली के पराठे खिलाने पड़ेंगे। हाय मेरे देवर। अरे मेरे बेटे, मूली के क्या, आलू के भी खिला दूंगी, पालक के भी खिला दूंगी। ठीक है, पर बापू एक बात सुन लियो, बारात में सबसे आगे चलूंगा मैं। साली बेवफा औरत, मैं कराऊंगा तेरा ब्याह, अगर तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। साले प्रधान, सबसे पहले तेरे टुकड़े करूंगा। रुक। अबे ओ लकड़ बगे, पहली बात तो यो घर तेरे बाप की जागीर ना है, रही दूसरी बात तो हुक्म इस घर में सिर्फ मेरा बापू का चले। देख भाई पप्पू, प्यार पे कोई जोर जबरदस्ती तो चले ना, सन्नो को उसका प्यार मिल गया वो खुश है, भाई तुम भी खुश रहो। क्यों सन्नो? ये बेवफा क्या बोलेगी, जो अपने खसम की ना हो पाई प्रधान को तेरी हो जाएगी। बस बहुत हो गया, जुआन मरे तुझे रख दूं लेस के, तुझे ले जा हैजा बटोर के, लोमड़ी को अंगूर न मिले तो खट्टे बता दिए, लुगाई के टुकड़ों पे पलने वाले हलकट, तूने दिया ही क्या है आज तक शन्नों को जो तेरे पास रहे। मरी के बकरे, एक बार प्रधान नहीं बनने दे तेरी हड्डियों पे नमक लगवा दूंगी नमक। सुन लिया तूने, मेरा ससुर है गुफारोदा, निकल जाते, ऐसे तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, शाम को पंचायत पिलाऊंगा पंचायत। प्रधान तुझे नंगा कर दूंगा नंगा। बेटे पंचायत बैठाया कचहरी, यहाँ के पंच भी हम हैं और जज भी। हाय मेरे प्रधान जी, आपकी इन्हीं अदाओं पे तो फिदा है ये शन्नो। हाय मेरे प्रधान ने, तुम बस दुल्हन बनने की तैयारी करो, ब्याह तो कल सुबह ही होगा, मैं जरा इन पंचों से निपट के आता हूँ। बैजू जरा कट्टा लेके आ। अरे प्रधान जी आप आइए, आइए अंदर आइए, आइए बैठिए। और प्रधान जी कैसा ना हुआ? देख भाई सतुआ, तू गांव का सबसे बड़ा पंच है, शाम को पप्पू हमारे खिलाफ पंचायत बैठा रहा, पंचायत में के फैसला होना है ये बताने की जरूरत ना पड़े, बता दिए चार पंचों से भी। हुजूर माई बाप है आप, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। ऐसा ही होना चाहिए, वरना माथे पे पड़े वो बल भी तूने देखे हैं, तो जिंदगी के खेत में मौत के हल चला दिया करते थे। देख भाई पप्पू, बुरा मान या भला मान, शन्नो पे हक सिर्फ प्रधान जी का है, भाइयों बात कायदे की है या नहीं? हाँ हाँ भाई, पंचो पप्पू को भी बोलने का मौका दो, अरे भाई इसका भी कुछ हक है। पंचो तुम्हारा फैसला सर माथे पर,
पर प्रधान ने मेरे साथ ठीक न किया। प्रधान जी को क्यों कोसते हो? अरे प्रधान जी ने तो सिर्फ सच्चा प्रेम किया है, कमी तेरी और तेरे नशे की लत की है। अरे जो औरत घर की लक्ष्मी होती है, तूने उसे घर घर नौकरानी बना दिया, और अगर अब उसे खुशी मिली है तो तू उसे भी छीनना चाहता है। मरी का बकरा भी मरा जा रहा है। पंचायत का फैसला है, शन्नो प्रधान की हुई, क्यों भाइयो? हाँ बिल्कुल, शन्नो के लिए प्रधान का अच्छा बार हो ही नहीं सकता। ठीक है पंचो, ठीक है, बहुत अच्छा फैसला करा तुमने, सालो भगवान भी तुम माफ ना करेगा। अब ज्यादा चुनौती मत करे, झंगेगा क्या? अब पंचो को बेकार मार रखा था ना, अब सही कर दिया पंचो ने फैसला, साले चुप्पी चला दिए वरना पिटेगा बहुत। पप्पू बात तो सुन ले, अपहर के क्यों जा रहा? हमने कहा था ना, यहाँ के पंच भी हमें और जज भी, तो कल सुबह आ जाइयो दावत पे। खम्बा मिलेगा क्या? अबे खम्बे की फिक्र मत कर, पूरा मखाना खोल देंगे तेरे लिए। अच्छा भाई गांव वालों, कल सुबह की सबकी दावत है, तो फिर कल मिलते हैं विवाह मंडप पे।